हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम ट्रांसलेशन से रिलेटेड एक अलग वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंटेंसेस में पांच तरह के सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन बनाने को देख मिलते हैं, जिसमें आप असर्टिव के, अफर्मेटिव और नेगेटिव को, इंट्रोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्यों को देखा। अब आप इंपरेटिव सेंटेंस को भी देख चुके हैं। आज आप सभी के लिए मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स और एग्जांपल्स और उनके सेंटेंसेस को लेकर आया हूं, ताकि उससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन हो उसे दूर कर सकें। आइए हम जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य, आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रसन्नता या हर्ष, आश्चर्य, दुख, शाबाशी इत्यादि व्यक्त करने वाले इंटरजेक्शन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को मैंने दो पार्ट में करके समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले तो वो सेंटेंसेस जिनमें इंटरजेक्शन शब्दों का प्रयोग किया गया हो, और दूसरा ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कितना, कितनी, कितने जैसे शब्दों का प्रयोग करके आश्चर्य व्यक्त करने का प्रयास किया गया। दो तरह के क्लासिफिकेशन करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम आप सभी को अपने बोर्ड पर कुछ रूल्स और एग्जांपल्स की ओर लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप देखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रार्थना, परिप्रसन्नता, दुख, शाबाशी या आश्चर्य व्यक्त किया गया हो, और इन तरह के सेंस को व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे इन्हें इंग्लिश में इंटरजेक्शन शब्दों को किन रूपों में देखा जा सकता है, जैसे आहा, हाहा, हुर्रे, आ, ओ, एलास, वेल डन, ब्रेवो, वाओ, एटसेट्रा। ये ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं जो विस्मय को, आश्चर्य को, दुख को या प्रसन्नता और हर्ष को व्यक्त करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को दो पार्ट में, सबसे पहले जिन सेंटेंसेस में इंटरजेक्शन वर्ड्स आ जाएं उनको कैसे बनाना चाहिए, तो मैंने यहाँ रूल बनाया है कि सबसे पहले आप इंटरजेक्शन वर्ड्स को रखिए, इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद फिर आप सब्जेक्ट को रखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये टेंस के अनुसार लग सकता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार किया जाता है। तो पहले इंटरजेक्शन वर्ड्स लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। यहाँ ध्यान देना है कि इंटरजेक्शन वर्ड्स के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यानी एक खड़ी पाई और बिंदी का प्रयोग करना ना भूलें। ऐसे सेंटेंसेस का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, इसको आप देखें। जैसे ये आहा, मैंने मैच जीता, इट मींस यहां पर क्या है, आहा आनंद, प्रसन्नता, हर्ष व्यक्त किया गया। ऐसे एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन वर्ड्स को आप देखेंगे, जैसे है आहा, तो यहां आपको पहले इंटरजेक्शन वर्ड को ही लिखना है, तो लिखेंगे आहा मैंने मैच जीता, आई won the, ये देखिए जीता पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म win, won, won, तो I won the match। इसी तरह सेकंड नंबर पर देखेंगे होगा oh, वह परीक्षा में फेल हो गया, oh यानी जो है दुख, अप्रसन्नता जाहिर कर रहा, तो oh वह परीक्षा में फेल हो गया। He became, past indefinite tense का sentence है भी है, sentence
जिस टेंस में होगा उसी में आपको बनाना है। तो ही बिकेम फेलियर इन द एग्जामिनेशन। इस तरह से आपने देखा ये इंटरजेक्शन वर्ड है। इसी तरह शाबाश, तुमने अच्छा कार्य किया है, शाबाश, शाबाश के लिए ये भी इंटरजेक्शन वर्ड, शाबाश, वेल डन। तुमने अच्छा कार्य किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हो जाएगा यू हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू हैव डन वर्ब का थर्ड फॉर्म वेल। इसी तरह हाय में बर्बाद हो गया हूं, हाय यहां भी जो है दुख व्यक्त किया जा रहा है, हाय यानी अलॉस, आई एम रुइंड। इस तरह से आपने देखा कि इन सब में इंटरजेक्शन वर्ड पहले प्रयोग किया गया है, इसलिए इंटरजेक्शन का एक फॉर्मूला आप अलग से दिमाग में रखें कि सबसे पहले आप इंटरजेक्शन वर्ड्स को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिखेंगे। ये हुआ आपका फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड आप देखेंगे कितना, कितनी, कितने वाले सेंटेंस, इसे आप ध्यान से देखें। दूसरा सेंटेंस जो इस क्लाइमेटिक सेंटेंस का बनता है उसमें हिंदी में कितना, कितनी, कितने का प्रयोग किया गया होता है, और ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय व्हाट ए या हाउ का प्रयोग किया जाता है, कितना, कितने, कितनी के लिए अंग्रेजी में व्हाट ए या हाउ का प्रयोग किया जाता है। ये व्हाट ए और हाउ आप देख रहे होंगे तो लगेगा आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग जब होता है तो वहाँ व्हाट और हाउ लगता है, लेकिन यहाँ ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ एक्सक्लेमेशन व्यक्त करने वाला एक वर्ड है ये, इसलिए इसको आप एक्सक्लेमेशन का वर्ड मानेंगे और यहाँ पर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बनाते समय इसका प्रयोग करेंगे। इसका रूल है कि व्हाट ए हाउ में से कोई एक लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब टेंस के अनुसार। सेंटेंस देखें एग्जांपल के रूप में, तुम कितने मूर्ख व्यक्ति हो, जब आप इसे देखेंगे तो कितना, कितनी, कितने आया। अब आपको जब भी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पहले इसी को लेना है। अब इसमें आप देखेंगे कि व्हाट ए और हाउ दो शब्द आ गए, तो कहां व्हाट लगाएं, कहां व्हाट हाउ का प्रयोग करें। तो आप ये ध्यान दें कि जब छोटे सेंटेंसेज हो तो हाउ का प्रयोग और बड़े सेंटेंसेज हो तो व्हाट ए का प्रयोग करना चाहिए। व्हाट ए का प्रयोग स्पेशली व्हाट ए के साथ एडजेक्टिव हो और फिर नाउन हो, फिर सब्जेक्ट हो, तब करना चाहिए। और हाउ का प्रयोग तब करना चाहिए जब हाउ हो या कितना, कितनी के बाद केवल एडजेक्टिव हो और फिर तुरंत सब्जेक्ट हो, नाउन ना हो। ऐसे भी सेंटेंसेज बनते हैं छोटे सेंटेंसेज, जिनको मैं एग्जाम्पल दूंगा आप समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखें कितने मूर्ख व्यक्ति, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन और ये हो गया सब्जेक्ट। इसका मतलब ये एक बड़ा सेंटेंस है, बड़े सेंटेंस में व्हाट ए का प्रयोग किया जाएगा। तो हो गया व्हाट ए फूल मैन यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क अंत में जाएगा। इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शन शब्दों के साथ होता है और इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क वाक्य के अंत में जाता है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे यह कितनी सुंदर इमारत है, तो फिर यहाँ कितना, कितनी के लिए क्या हो जाएगा, हाउ या व्हाट है, ये भी बड़ा है क्योंकि कितनी के बाद एडजेक्टिव है फिर नाउन है, तो एडजेक्टिव और नाउन दोनों है इसलिए व्हाट ए का प्रयोग। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग What a beautiful building it is। इसी तरह आप देखें छोटे सेंटेंसेस को मैंने दे रखा है यहाँ कि वह कितना कमजोर है, यहाँ कितना के बाद केवल कमजोर है, यानी ये एडजेक्टिव मात्र दिया है, इसमें आपको हाउ का प्रयोग करना चाहिए, हाउ वीक ही इज। इसी तरह वर्षा कितनी सुखद है, How pleasant the rain is। यहां आप ध्यान देंगे
एक्सक्लेमेशन मार्क इन सेंटेंस में जरूर लगना चाहिए, क्योंकि कितना कितनी के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा है तब वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इस तरह से आपने इसमें दो रूल देखा, एक इंटरजेक्शन वर्ड्स वाले और दूसरा कितना कितनी कितने वाले। इन सेंटेंसेस को बनाते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, इसे मैंने अपने इन दो नियमों के माध्यम से और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय किन नियमों का ध्यान देना चाहिए ये समझ में आ गया होगा। आप सभी मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें।